बेमेतरा जिले के बोरसी मुरमुंडा में स्थित बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की प्रदेश सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा है। दीपक बैज ने सीधे सीधे साय सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार विस्फोट के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। अब तक मृतकों की संख्या सरकार जारी नहीं कर पाई है। अपने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर के पत्रकारों से चर्चा के दौरान पीसीसी दीपक बैज ने घटना के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि फैक्ट्री में मापदंड का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए थी। दीपक बैज ने कहा, प्रदेश की सरकार शोक संवेदना व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विस्फोट घटना में मृतकों के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 10 लाख देने की मांग भाजपा के प्रदेश सरकार से की है। बोरसी में बारूद फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ, दुखद घटना है। श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित की और उस परिवार को दुख की घड़ी में पूरे छत्तीसगढ़ उनके साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन सवाल, आखिर सरकार आज तक, अभी तक, कल 24 घंटा, आज लगभग 12 घंटे बीत रहे, सरकार अभी तक मौत के आंकड़े क्यों जारी नहीं कर पाई? सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है? जवाब देना चाहिए। आज तक जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? अब तक हो जाना चाहिए एफआईआर दर्ज। सरकार किसको बचाना चाह रही है? परिजन परेशान है, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ इस घटना के लिए, इतनी बड़ी घटना के लिए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जो अगर सरकार सचेत रहती, नियमित मानक मापदंडों का अगर पालन करती, परीक्षण करती, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन इतना बड़ी घटना हुई, सरकार को खबर तक।